हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन ओवर हियर सेज द प्लांट पार्ट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन, वन विद इन द अदर, वन पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, सेकंड जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद टू मेल गैमेट्स, थ्री सीड इनसाइड द फ्रूट, फोर्थ एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। सो क्वेश्चन में पूछा है कि जो प्लांट पार्ट्स हैं, ऐसे कौन से प्लांट पार्ट्स हैं जिनमें दो जनरेशन प्रेजेंट है वन विद इन द अदर। सो गिवन ऑप्शन में से हमें चूज करके आंसर करना है। So the key concept here is sporophytic generation and gametophytic generation. So sporophytic generation and gametophytic generation क्या होती है देख लेते हैं। तो जो हमारी sporophytic generation होती है, ये हमारी diploid होते हैं, and जो हमारी gametophytic generation होती है, ये होते हैं हमारे haploid. So नाउ वॉट हैपन्स इज कि ये जो डिप्लॉयड होते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन, ये क्या करते हैं, ये मियोसिस के मियोसिस से डिवाइड होके देन ये फर्दर अपने हैप्लॉयड स्पोर्स बना लेते हैं। एंड जो हमारी गेमीटोफिटिक जनरेशन होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हैप्लॉयड होते हैं एंड ये हैप्लॉयड गेमीट्स बनाते हैं अपने। सो ये जो गेमीट्स होते हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों बनते हैं। सो ये मेल एंड फीमेल गेमीट्स बनाते हैं। गिवन ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर वन जो हमें गिवन है, विच इज पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर। सो फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो प्रेजेंट हैं इनसाइड द एंथर। सो अब हमारे पास इसमें दो चीजें दी गई हैं, वन इज पॉलन ग्रेन एंड सेकंड दिया गया है हमें एंथर। तो जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये आते हैं हमारे हैप्लॉयड एंड जो हमारे एंथर होते हैं, ये आते हैं हमारे डिप्लॉयड में। सो देयरफॉर इनको हम बोलेंगे कि वन जनरेशन विद इन द अदर प्रेजेंट है। सो देयरफॉर वन जनरेशन within the other. option 2 जो हमें given है उसको देख लेते हैं। option 2 में हमें बोला है कि germinated pollen grain with two male gametes. so इसमें बोला है that हमारे पास germinated pollen grains हैं and उसके साथ हमारे साथ present है दो male gametes. सो जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो होते हैं हैप्लॉयड, ये हमने अभी देखा था। सो हमारे पॉलन ग्रेन्स आते हैं हैप्लॉयड कंडीशन में एंड जो हमारे मेल गेमीट्स होते हैं ये भी हैप्लॉयड होते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे दो जनरेशन प्रेजेंट नहीं है, वन विद इन द अदर प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं। 3 हमें दिया गया है विच इज सीड इनसाइड द फ्रूट। सो इसमें बोला है कि जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है। सो ये जो हमारा ऑप्शन है, इसमें भी हमारी दो जनरेशंस प्रेजेंट नहीं है। सो नो टू जनरेशंस। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं विच इज 4 में हमें बोला गया है एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। सो जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, इसमें बोला है कि वो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है, ये आता है हमारा हैप्लॉयड एंड जो हमारा ओव्यूल आता है वो आता है हमारा डिप्लॉयड। देयरफॉर इसमें भी हमारी दो जनरेशंस प्रेजेंट होती हैं, विच इज वन वन विद इन द अदर। सो गिवन ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में हमें गिवन है, फर्स्ट ए ऑप्शन हमें दिया है जिसमें बोला है कि हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट सही ही है। सो विच इज नॉट ट्रू बिकॉज हमारा सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया है 3 and 4। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज थर्ड में हमारे पास दो जनरेशन है ही नहीं, फोर्थ में है। सी ऑप्शन हमें दिया गया है 1 and 4। सो दिस ऑप्शन हियर इज करेक्ट बिकॉज हमारी दोनों ऑप्शंस में ही हमने दो जनरेशन देखी हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमें गिवन, डी हमें गिवन है विच इज
वन ओनली. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज हमारे पास फोर्थ फोर्थ पॉइंट भी है जिसमें दो जनरेशन प्रेजेंट है. देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 4. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.